देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तमाम रिसर्च में दुनिया किसी एक दवाई पर एक मत नहीं पाई गई जिससे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके। कई वैक्सीन पर काम हो रहा है मगर उसे तैयार नहीं किया जा सका है। दुनिया भर में कोरोना का इलाज अलग अलग मेथड और फॉर्मूले के तहत किया जा रहा है। इस बीच भारत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है और मंगलवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। इस दवा का नाम कोरोनिल रखा गया है। बाबा रामदेव का दावा है कि ये दवा 100% रिकवरी देती है। इसे 3 दिन में 65% मरीजों को ठीक किया गया है और 7 दिन में ये दवा 100% रिजल्ट देगी। हालांकि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला आयुष मंत्रालय योग गुरु के दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ICMR के अधिकारी ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि ICMR के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय का है। जाहिर है दोनों योग गुरु के दावे से पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर योग गुरु कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा कर रहे हैं तो फिर आयुष मंत्रालय और ICMR इस पर अपना स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। कोरोनिल किट दरअसल 3 दवाइयों का पैक है। इसमें 2 दवाइयां टैबलेट और 1 लिक्विड फॉर्म में है। रोजाना 3 टैबलेट 3 बार खाने की सलाह दी जा रही है, जबकि लिक्विड को नाक में डालना है। दवाई की किट 8-10 दिन में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। पतंजलि आयुर्वेद ने इसकी कीमत फिलहाल ₹545 तय की है। एक किट में 30 दिन का डोज है। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।